भैया बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। गाइस पानी और ऑयल डाल डाल के चला रहे हैं। शिमला अभी भी यहाँ से 250 किलोमीटर है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सुबह के 4 बज रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं गाड़ी को लेके आगे, और हमारी गाड़ी में हो गई है प्रॉब्लम। हाँ जाओ, नहीं हुआ तो मैं करके दूंगा भाई। इतना बड़ा काम उन्होंने बोल दिया तो मतलब बहुत बड़ी बात है। खाप संगम, तो वो ये सतलुज रिवर है और वो स्पीति रिवर यहाँ आकर एक हो जाती हैं, तो फिर इसका नाम क्या होगा? ये संगम ना, इसलिए इसको संगम बोलते हैं। नहीं, ये दो रिवर आ गई, अब आ गई कौन सी रिवर है? कोई नाम तो फिर आगे सतलुज ही। अच्छा, खत्म हो जाती है। अच्छा, स्पीति यहाँ खत्म हो जाती है। वो आ रही है छिटकी, देख टू रिवर है, छिटकी टू टू रिवर है, देख एक वहाँ से आ रही है स्पीति रिवर, यहाँ से आ रही सतलुज रिवर, दोनों मिक्स हो गई और यहाँ पर बन गई है सतलुज रिवर। बड़ा डेंजर एरिया भैया, बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। वो ऊपर स्नो माउंटेन देखो, वो ऊपर, अरे वाह, ऐसा लग रहा है स्नो क्लाउड्स है ना, स्नो से अलग हो रहा है। चलो चलो चलो, आओ चाय पिए, चाय पिए, भाग रहे, स्लोप स्लोप पे कभी नहीं भागते। चैनल है हमारे 4। चलो सर, ठीक है सर, फिर तो लोकेशन। हाँ बच्चे, तो गाइस पानी और ऑयल डाल डाल के चला रहे हैं। शिमला अभी भी यहाँ से 250 किलोमीटर है, और ये एक माता का मंदिर है पीछे, माता रानी कृपा करें सब ठीक ठाक हो। भाई माता का मंदिर है, जय कर दो। हाँ, जाके कर लेते हैं। नहीं बंद है अभी तो, जाके क्या करोगे, यहीं से कर लो। वाह बढ़िया, गुड बच्चे, ब्रेव बच्चे मेरे। तो गाइस आज की रात लगता है पूरा हमें ड्राइव करनी पड़ेगी, बस भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे चल रहे हैं। आई होप कि हम सुबह तक चंडीगढ़ पहुंच जाएं, क्योंकि अब जो गाड़ी का मैकेनिक का जो भी काम होना है वो चंडीगढ़ में ही हो सकता है, लेट्स सी। तो दोस्तों ये परचून की दुकान से हमने लिया है ऑयल, ऑयल तो ऑयल बता दो, इंजन ऑयल, ऑयल तो मिलता है परचून की दुकान में, कई सरसों तेल समझ रहे हो। तो मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी परचून की दुकान पे जाइए और ऑयल पूछ लीजिए, यहाँ शूज भी मिलते हैं भाई, पहन के मतलब बेसिकली उन्होंने सारा मटेरियल रखा है जिससे कि सर कौन सी जगह ये स्पिलो स्पिलो। और कब तक खुली रहती है आपकी शॉप? अच्छा, घर पीछे ही है। चलो तो आप यहाँ वैसे किसी भी टाइम आ सकते हैं, 24 घंटे खुली हुई है ये, इमरजेंसी में तो लॉक कर ही सकते हैं ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्पिलो में रुक गए थे हम। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं गाड़ी को लेके आगे। आई होप कि हम टाइम से शिमला पहुंच जाएंगे, उसका जो भी फॉल्ट है वो डिटेक्ट होगा और ठीक हो जाएगा। रात को करीब 11 बज गए थे हमें यहाँ पे होम स्टे लेने में, लेट हो गए थे। तो एक बार तो सोचा कि नाइट ड्राइव करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे थे, लेडीज थी, तो फिर लगा कि नहीं यार कहीं रुके जाते हैं।
आई होप ऊपर वाले की कृपा से सबको ठीक ठाक होगा। अभी अंकुश ने 2-3 टिप्स दिए हैं, उसको हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पहुँचते हैं। बने रहिए लक्स ऑन द ट्रेल के साथ और प्रेयर कीजिए कि सब कुछ ठीक हो। मिलते हैं फिर सफ़र पर। दोस्तों निकल गए हम सुबह के 4 बजे। कल की जो जंग हमने धूरी छोड़ी थी रात को 11 बजे, उसको आगे के लिए आगे कंटिन्यू कर लिया कर रहे हैं जंग को। गाड़ी की कंडीशन वैसी ही है, दे ऑल आर डूइंग इट। आई होप वी ऑल विल रीच सेफली। मैं डर गई कि रेडिएटर में ऑयल क्यों डाल रहे हो। बंद करना है कूलेंट की, बंद करके चलानी है अभी ना। देख लेते हैं 10 मिनट आपके लगे। हाँ अब उबलेगा ना और अंदर चेंज करेगा उसको, एक बार ऑयल और चेक कर लेते हैं। जी इसको ऑयल और चेक कर लेते हैं। 5 मिनट उसका पूरा ऑयल नीचे जाने ठंडा रहने दो। हाँ कैसा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग? फर्स्ट राइड अर्ली मॉर्निंग। ओह माय गॉड, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। ये नज़ारे और भी सुंदर लगते हैं अगर गाड़ी में कोई दिक्कत ना होती और हम आराम से मस्ती करते आते। थैंक यू जी, थैंक यू। रात को तो मैं गुस्से में आ गई थी। रात तो मेरे ऊपर गुस्सा में डर गया था। मैंने कहा मैं कुछ ना बोलूं तो अच्छा है, लेकिन क्या मुझे बाद में बोले। देखो अगर मैं ना बोलती ना तो मजाक चलता रहता, तुम लोग से कोई ना सोता, तो ये सिर्फ वो टेक्निक थी तुम्हें जल्दी सुलाने की। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम तरीका बदल जाएगा। जो भी था गलत क्या, मजबूरी थी ये समझ लो आप। नहीं सोना जरूरी था, हफ्ते खेलते रास्ता कट रहा था और क्या करें बताओ। नहीं मजबूरी थी बस। हंसते हंसते लगे रहते आज मिल भी तो ही रहा था वहां पे। ना ना यार, 5,000 रुपए 6 घंटे के लिए एक रूम के दिए, हमने लिए 2 रूम, क्या कर सकते। 5,000 रुपए 500 रुपए बेइज्जती ना करो, फोन चालू। ओके मैं बंद कर रही हूँ। चलो भाजी चलो। अब आप भाजी पानी का भाव देखो और आवाज कलर देखो साला, पूरा स्लेटी कलर। ये अपने ऑयल जैसा है। ये क्या हमारा निकल रहा है माजी। ये अब नहीं है, वो ठंडा हो गया तेज। पानी डाल लो, पानी भर भी लो अगर। इधर है पानी वाली का टंकी। पानी हो गया भैया बिल्कुल खत्म, और अब इसमें पानी डाल के तेल निकालेंगे। पाजी वाले तो पूरा शुक्र है। चेक कितना? नहीं नहीं कितना ना नहीं आए, मैं पौना अंदर। कैसे मुझे तुम मिल गई। देखो पाजी हो गया। हमने पूरा डाला भी थोड़ी था, डाला भी कमी था हमने, 2 लीटर तो डाला था। फिर और डाल दे, डाल दे।
यहाँ पे एक ही गाड़ी जाने की जगह है, तो अभी वो निकलेगी फिर हम लोग निकलेंगे। और काफ़ी नैरो ब्रिज है, तो अभी और तो नहीं गाड़ी आ रही है, नहीं ये देखो बस एक ही गाड़ी जाने का रास्ता है। और ये जो हमारी इको स्पोर्ट्स चल रही है ना, ये सिर्फ भगवान भरोसे है। ऑयल डालना पड़ रहा है बार बार, अभी तक पता नहीं हम शायद 10 लीटर ऑयल डाल चुके हैं इंजन में, और अभी 10 लेके और चल रहे हैं, और 200 किलोमीटर भी नहीं आया, और चंडीगढ़ यहाँ से 350 किलोमीटर। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डालना पड़ेगा भाई, है ना। और अब हम डाल रहे हैं पानी। हम खड़े हैं माता के दरबार के आगे, तारांडा माता, अमेजिंग लोकेशन। और हमारी गाड़ी में हो गई है प्रॉब्लम। हाँ बच्चे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप, कि ये गंदे पानी का कलर कैसा होता जा रहा है। दिस इज बेसिकली ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड। आरती जी आपका क्या कहना है, ये देख रहे हैं कि इसमें क्या डिजाइन और टेक्सचर बन रहा है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। आने आने क्या कर रहा है बच्चे, कौन सा गेम चल रहा है आपका, ये पुल है छोटा सा। आई हेलो, व्हाट आर यू डूइंग पाजी, किधर जाए, ठीक ठाक, कितने थी, मैं घर पे बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से अब हमारे रास्ते थोड़े से अलग होने वाले हैं। हैरी पाजी, हाँ जी, बिग बिग थैंक यू टू हैरी पाजी। चलो कोई नहीं कोई नहीं, स्मॉल थैंक यू फॉर हैरी पाजी। और हैरी पाजी जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच सके, वरना एक्चुअली इनकी वजह से हम काजा तक नहीं पहुँचे थे, जहाँ कभी ना पहुँचते, और इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलो फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत टाइम बर्बाद किया है। कोई नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, कौन लगे मैनेज कर लूँगा अभी मैं, अभी अच्छा ये नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ी दिक्कत होगी, मैनेज कर लूँगा। चंडीगढ़ तक इन्होंने जाना पे, मैं तो कल ही पहुँचूंगा। नहीं नहीं, टाइम मैनेज हो जाएगा, हम मिलेंगे पाजी जल्दी, टाइम मैनेज हो जाएगा। मेन था कि गाड़ी का मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा शांत इसीलिए था कि अगर गाड़ी ऐसी वहाँ तक लेके जानी पड़ी चंडीगढ़ तक ना, तो पता क्या है, तो फिर हमें कितना टाइम लगने वाला चंडीगढ़ तक ही कल सुबह पहुँचते। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि फिर रात हो जानी थी, खाली रात में गाड़ी चलाने बड़ा वो हो रहा था। चलो बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छा लगा कि रात में रुक गए हम।
जिन्होंने बोला की वहाँ जाओ, नहीं हुआ तो मैं करके दूंगा भाई, इतना बड़ा काम उन्होंने बोल दिया तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जब वो साथ बैठ गया ना, मुझे लगा था काम होगा ही होगा। चलो सही बात है। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय करो भाई, चाचू को हगी करो बच्चों। ट्रिप का हिसाब हो रहा है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है यहाँ पे ट्रिप का, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है।